नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है एटम बग गोरिल्ला रेनेसा स्मार्ट प्लस फैन। ये कोई आम फैन नहीं है, ये जादुई फैन है। जादुई फैन इसलिए क्योंकि ये चलता है मात्र 28 वाट की मोटर पे, जो कि एक BLDC मोटर है। इसका फायदा ये है कि ये हमारे आम कन्वेंशनल फैन से 3 गुना ज़्यादा कम बिजली इस्तेमाल करता है और सालों साल हमारे को खूब बचत कराता है। इसका मतलब ये है कि जब आपने रेनेसा स्मार्ट फैन लगा डाला तो आपकी लाइफ नेक्स्ट। इसकी सर्विस और इंस्टॉलेशन आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगी, इसका मतलब सर्विस की भी कोई टेंशन नहीं। और सबसे खास बात, ये एक स्मार्ट फैन है, इसका मतलब आप इसको रिमोट, अपने स्मार्टफोन, अमेजॉन एलेक्सा वॉइस एनेबल्ड, गूगल होम और हाँ अपने स्मार्ट टीवी से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो है ना ये सच में एक जादुई फैन। आगे आगे देखिए वीडियो में कैसे मैंने इसको माउंट करके आगे इसका यूज किया। यहाँ पे देखिए मैंने इसको इंस्टॉल किया और ये इसकी कैनोपी, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। किसी भी आम फैन की तरह आप इसको माउंट कर सकते हैं, कोई नया नहीं है, वैसे कनेक्शन, वैसे यूजेज। और इसके जो आप पर देख रहे हैं ये डस्ट फ्री है, दैट मींस ये डस्ट को अट्रैक्ट नहीं करेंगे आप। ये इसका LEDs है जो कि आपको रात में नाइट लैम्प का भी काम कर सकते हैं। तो अगेन है ना जादुई फैन। ये बना है पाउडर कोटेड पेंट से जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत लगता है। देखिए ये इसका रिमोट, इसमें है नाइट ग्लो बटन्स जो कि अंधेरे में आपको आसानी से इसके बटन्स दिख सकते हैं। इसके साथ मिलती है आपको 3 साल की ऑन साइट वारंटी। इट कम्स इन 3 कलर्स। ऐप स्टोर से गोरिल्ला ऐप इंस्टॉल की है, साथ में मैंने अपने MI फोन पे एटम बग फैन का शॉर्टकट भी बना लिया हुआ है। देखिए मैं इसको गोरिल्ला ऐप से ऑन करने जा रहा हूँ। देखिए कैसे ऑन हुआ ये। अभी मैं इसको ऑफ करने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छे तरीके से ऐप से कंट्रोल होता है। जैसे आप जानते हैं स्मार्टफोन आजकल हर के हाथ में होता है, तो आप एट ईज इसको स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, इसकी LED को ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको ऑफ कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आप दुनिया के किसी कोने से भी कर सकते हैं। देखिए ये LED को मैं ऑफ कर रहा हूं, ये LED को मैंने ऑन किया, बहुत बढ़िया। इसमें मोड्स, स्लीप मोड, बहुत सारे मोड्स हैं जो कि आपने आप स्मार्टफोन से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे मोड्स हैं। अभी देखिए मैं MI से, MI का फोन स्पेशली क्योंकि उसमें IR ब्लास्टर होता है, उससे भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए
स्पेशली एमआई का फोन रेडमी। देखिए ये ऑफ हो गया, जिसको मैं अब ऑन करने जा रहा हूं, देखिए ऑन हो गया। इसमें डिफरेंट कंट्रोल्स है, फैन स्पीड 1, 2, 3, 4, 5। अभी नेक्स्ट में आपको इसके रिमोट के साथ, ये साथ में जो रिमोट आया हुआ, देखिए ऑन और फैन चलना स्टार्ट। एट इज आप उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आप कहते कंट्रोल्स वो यूज कर सकते हैं, और हर एक कंट्रोल फ्लॉलेस चलता है विदाउट एनी इशू और प्रॉम्प्ट एक्यूरेट। और फैन में भी जो उसका रिमोट है उसमें नाइट ग्लो बटन्स है, आप अंधेरे में यूज कर सकते हैं, उसमें सारे बटन हैं, उसमें आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, स्पीड डिक्रीज कर सकते हैं, इसकी एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि इसका जो नीचे बॉटम है जिसमें आपको एलईडीज ग्लो करती हुई दिखेंगी, जिस नंबर पे आप इसको चलाएंगे लाइक 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पे, तो उतनी एलईडीज इसकी ग्लो करेंगी। लाइक अगर आपने 3 पे इसको किया स्टार्ट तो 3 एलईडीज ग्लो करेंगी जो आपको इंडिकेट करेगा कि इस वक्त 3 स्पीड पे चल रहा है। ये देखिए अभी एक चल रहा है तो एक स्पीड पे चलेगा, ये बहुत ही अच्छा फीचर बनाया हुआ है। अभी देखिए 2 तो मतलब 2 स्पीड पे जा रहा है। आपको उठ के बार बार रेगुलेटर को कम ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास रिमोट है, तो यू कैन डू इट एट ईज। और हाँ एक चीज़ का याद रखिए, इसको नॉर्मली यूज़ करने के लिए आपको वाईफाई कनेक्शन नहीं चाहिए, आपके पास रिमोट है, आपके पास स्मार्टफोन है, तो आपको नहीं चाहिए। अब इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं मैं कि कैसे आप इसको वॉइस एनेबल डिवाइसेस से कंट्रोल कर सकते हैं, वॉइस एनेबल डिवाइसेस जैसे कि हमारी Amazon Alexa। देखिए ओके Alexa स्विच ऑफ फैन। ओके Alexa,
All right, turning the fan off. With your smartphone.